अस्सलामुअलैकुम क्लास फोर, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब प्यारे बच्चे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और दिल लगाकर अपना काम जो है वो लिख भी रहे होंगे और याद भी कर रहे होंगे। सो स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है हमने ग्रामर स्किल्स के 7 यूनिट्स जो हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप आपने उनको लिखा भी होगा और याद भी किया होगा। तो आज हम ग्रामर स्किल्स का यूनिट नंबर 8 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो जल्दी से अपनी ग्रामर स्किल्स की बुक निकालें, पेज नंबर 32 ओपन करें। सो हम यहाँ पे ऊपर आज की डेट मेंशन करेंगे, क्या डेट है, 7/5/21। ठीक है, हमारे यूनिट का क्या नेम है, एडवर्ब्स एंड एडवर्बियल्स। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं एडवर्ब्स क्या होते हैं। एडवर्ब्स ऑफ मैनर टेल अस द वे एन एक्शन इज डन। एडवर्ब हमें बताते हैं कि किस तरीके से जो है वो कोई काम हुआ है। ठीक है, यानी कि ये काम की नौयत को बढ़ा देते हैं। ठीक है, यानी काम को बेहतर तरीके से डिस्क्राइब कर देते हैं कि काम किस तरीके से हुआ। एक्सरसाइज नंबर ए देखिए हमारी है, मेक द सेंटेंसेस ह्यूमरस बाय मैचिंग एन एडवर्ब्स ऑफ मैनर फ्रॉम द बॉक्स टू द स्टेटमेंट द पर्सन इज मेकिंग। द फर्स्ट वन इज डन फॉर यू। वो कहते हैं कि आपने ये एडवर्ब लगाकर अपने सेंटेंसेस को बेहतर बनाना है। ठीक है, पहला सेंटेंस वो कह रहे हैं आपके लिए जो है वो सॉल्व कर दिया गया है। ठीक है, हमारे पास पहले देख लेते हैं कौन कौन से वर्ड्स हैं। पहले है ब्राइटली, ब्राइटली का मतलब होता है रोशन अंदाज में। उसके बाद है ब्लंटली, ब्लंटली कहते हैं एकदम से कोई भी काम हो जाना। ठीक है, उसके बाद है शिपिशली, शिपिशली का मतलब होता है शर्मीले अंदाज में। उसके बाद है प्लेफुली, यानी कि खेल के अंदाज में, यानी जब आप एक्टिवली किसी चीज़ में परफॉर्म करते हो। उसके बाद है स्वीटली, स्वीटली का मतलब होता है मीठे या प्यारे अंदाज में। ठीक है, एक्सप्लोसिवली कहते हैं धमाकेदार। उसके बाद वॉचफुली कहते हैं एहतियात भरी नज़रों से। ठीक है, उसके बाद पॉइंटलेसली है, पॉइंटलेसली का मतलब होता है बेदहानी में, आपसे जब कोई काम हो जाता है तो उसके लिए हम पॉइंटलेसली का वर्ड यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद है टायरलेसली, टायरलेसली का मतलब होता है टेंशन में आना। ठीक है, उसके बाद लास्ट है ड्राइली, ड्राइली कहते हैं खुश्क अंदाज में। ठीक है, चले पहला सेंटेंस उन्होंने सॉल्व करके हमें दिखा दिया। जैसे आई एम वेरी थर्स्टी, मैं बहुत प्यासा हूँ, सेड द प्लेयर ड्राइली, यानी कि खिलाड़ी ने बहुत ही सूखे अंदाज में कहा कि मैं बहुत प्यासा हूँ। ठीक है, सो यहाँ पे हमने कौन सा वर्ड एडवर्ब यूज़ किया, ड्राइली। तो ड्राइली को हम यहाँ से क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आई हैव ब्रोकन माई पेंसिल, मुझसे मेरी पेंसिल टूट गई है, सेड में, मैंने कहा। अब जब हमसे कोई काम जो है वो गलत हो गया होता है तो ऑब्वियसली वो बेदहानी में हमसे कोई काम गलत होता है ना, तो बेदहानी के लिए हम यहाँ से कौन सा एडवर्ब यूज़ करेंगे, पॉइंटलेसली। ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंटलेसली पे हम टिक करेंगे और यहाँ पे पुट कर देंगे पॉइंटलेसली, POINT पॉइंट LESSLY पॉइंटलेसली। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है डोंट टच द दैट बॉम्ब, येल द सोल्जर। सोल्जर ने चिल्ला कर कहा कि इस बॉम को हाथ मत लगाओ। अब बॉम आपको पता है ना कि धमाकेदार होता है, ठीक है, फट सकता है, तो उसने भी धमाकेदार अंदाज में कहा कि इस बॉम को हाथ मत लगाओ। तो धमाकेदार के लिए हम कौन सा वर्ड यहाँ से एडवर्ब यूज़ करेंगे, एक्सप्लोसिवली। एक्सप्लोसिवली का क्या मतलब होता है, धमाकेदार अंदाज में। तो यहाँ पर हम लिख देंगे एक्सप्लोसिवली, EXPLO SIVE LY explosively। ठीक है, नेक्स्ट है प्लीज़ कीप योर आई ऑन द टाइम, सेड मदर। मदर ने डैश अंदाज में कहा कि अपनी नज़रें जो है वो वक्त पर रखो, यानी कि मदर ने कोई काम किसी को दिया होगा और कहा होगा कि ये काम जो है तुमने इस टाइम पे करना है। ठीक है, तो मदर ने किस अंदाज में उसे कहा, वोर से। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, वॉचफुली। तो वॉचफुली को हम यहाँ से टिक करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे वॉचफुली, WATCH वॉच FULLY फुली वॉचफुली। ठीक है, उसके बाद है आई कैंट फाइंड माई एनिमल, मुझे मेरा जानवर नहीं मिल रहा, सेड लिटिल बूपीप। छोटे बूपीप ने कहा कि मुझे मेरा जानवर नहीं मिल रहा। छोटे बच्चे स्टूडेंट कैसे होते हैं, शर्मीले होते हैं ना, तो शर्मीले के लिए हम कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे, शीपिशली। ठीक है, तो शीपिशली को यहाँ से हम टिक करेंगे और यहाँ पे पुट कर देंगे SHEEP शीप ISHLY शीपिशली। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है यू कैन कम एंड वॉच द प्ले, तुम आ सकते हो और ये खेल दे सकते हो, सेट द ड्रामा टीचर डैश। ड्रामा टीचर ने बड़े खेल के अंदाज में कहा।
ठीक है, तो खेल के अंदाज की इंग्लिश क्या होती है? प्लेफुली या जॉली नेचर वाला, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? प्लेफुली, ठीक है। और ऊपर से प्लेफुली को हम क्या कर देंगे? टिक कर देंगे। गॉट इट। उसके बाद है आई लाइक चॉकलेट्स एंड आइसक्रीम, सेड जेजी। जेजी ने डैश अंदाज में कहा कि मुझे तो चॉकलेट और आइसक्रीम बहुत पसंद है। तो कैसे अंदाज में बच्चे किस अंदाज में स्टूडेंट डिमांड करते हैं? जैसे आपको भी कोई चीज़ चाहिए होती है तो आप जो है बहुत मीठी हो जाते हो ना, ठीक है, मतलब बहुत ही सॉफ्ट अंदाज में बोलते हो। तो जेसी ने भी किस अंदाज में कहा? स्वीटली कहा, ठीक है। तो हम यहाँ से स्वीटली को टिक करेंगे और यहाँ पे पुट कर देंगे स्वीटली, यानी जेसी ने प्यारे अंदाज में कहा कि मुझे चॉकलेट्स और आइसक्रीम पसंद हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आई हैव टू शार्पन दिस सॉ, मुझे अपना कुल्हाड़ा जो है वो तेज़ करना है, ठीक है, मुझे अपना कुल्हाड़ा तेज़ करना है, सेट द कारपेंटर डैश। बढ़ई ने डैश अंदाज में कहा। अब मतलब वो काम कर रहा है ना, ठीक है, और उसका जो कुल्हाड़ा है वो तेज़ होने वाला है, तो जाहिर सी बात है वो एकदम से कहेगा कि नहीं, पहले मैंने अपना कुल्हाड़ा तेज़ करना है, ठीक है। तो एकदम से की इंग्लिश क्या होती है? मैंने आपको बताया था ब्लंटली, ठीक है। तो ब्लंटली को हम यहाँ से टिक करेंगे और यहाँ पे पुट कर देंगे BLUNTLY, ब्लंटली, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है द सन इज़ शाइनिंग, सूरज चमक रहा है, सेट जेन डैश, ठीक है। सूरज जब चमक रहा होता है तो ऑब्वियसली वो ब्राइटली चमक रहा होता है ना, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या लिखना है? ब्राइटली। तो यहाँ से हम क्या करेंगे? ब्राइटली को टिक कर देंगे और यहाँ पे पुट कर देंगे BRIGHTLY, ब्राइटली, ठीक है। उसके बाद लास्ट सेंटेंस देखें, द व्हील्स आर मिसिंग फ्रॉम माई बाइक, मेरे बाइक के जो पहिए हैं वो कहीं गुम हो गए हैं, सेट जेम्स। अब देखिए जेम की बाइक के पहिए गुम हो गए, ऑब्वियसली वो टेंस होगा ना, वो परेशान होगा। तो परेशान होने की इंग्लिश मैंने आपको क्या बताई थी? टायरलेसली, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? टायरलेसली। सो ये हमारा सेंटेंस बन गया, द व्हील्स आर मिसिंग फ्रॉम माई बाइक, सेट जेम्स टायरलेसली। सो स्टूडेंट ऑफ क्लास 4, वी हैव कम्प्लीटेड आवर एक्सरसाइज नंबर ए ऑफ यूनिट नंबर 8 ऑन पेज नंबर 32। आई होप आपको एडवर्ब की समझ आ गई होगी कि किस तरीके के सेंटेंस के लिए हम किस तरीके का एडवर्ब यूज़ करते हैं, ठीक है। इस एक्सरसाइज को नीटली आपने ग्रामर स्किल्स पे सॉल्व करना है और इसको याद करना है कि किस सिचुएशन में हमने कौन सा एडवर्ब जो है वो पुट करना है, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, तब तक इसकी प्रैक्टिस करें और अपना ख्याल रखिएगा। स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।